माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग है उच्च पद पर प्रभार की वो चल रही है और इसके लिए जो काउंसलिंग सूची है वो जारी की गई थी। काउंसलिंग सूची जारी करने के बाद में आपने देखा होगा कि इसे फिर से अपडेट किया गया और अपडेट हो जाने के बाद में कई सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका नाम इस सूची से हट गया है और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका नाम इस सूची में ऐड हो गया है। तो आखिर शिक्षक साथियों का जो नाम है वो इस काउंसलिंग सूची से क्यों हटा है, इसे हम समझेंगे। तो इसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जैसे जो काउंसलिंग सूची तैयार की गई है वो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को मान करते हुए काउंसलिंग सूची तैयार की गई है। अब यदि इस बीच में किसी शिक्षक साथी का अंतर निकाय ट्रांसफ़र होता है तब ऐसी कंडीशन में जिस डेट में इनका ट्रांसफ़र हुआ है उस डेट से इनकी जो वरिष्ठता है वो मान की गई है और इसी कारण से जो काउंसलिंग सूची है इससे काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के नाम हट गए हैं। अब कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि क्या सर हम इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं, तो इसे आप थोड़ा सा समझ लें, हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम माध्यमिक शिक्षकों की बात करें या फिर प्राथमिक शिक्षकों की बात करें, इसमें शुरू से हम समझेंगे। जैसे 1/7/2018 के पूर्व हम अध्यापक संवर्ग में थे जिसमें हम सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक थे। इसके बाद में 1/7/2018 को हम नवीन शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित हो गए, हमारी नवीन नियुक्ति हुई जिसमें हम प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हुए। अब दोनों ही संवर्गों के लिए ट्रांसफ़र लेने पर वरिष्ठता के अलग अलग नियम हैं। जैसे पूर्व की हम बात करते हैं अध्यापक संवर्ग की, अध्यापक संवर्ग और जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग है दोनों में एक जैसे नियम हैं, इसे समझना पहले। इसमें जो नियम है कि जो भी आपका नियोक्ता है यदि वो परिवर्तित होता है तो आपकी सीनियरिटी ट्रांसफ़र में चली जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जैसे हम अध्यापक संवर्ग में थे और अध्यापक संवर्ग में जैसे हम सहायक अध्यापक थे और सहायक अध्यापक में जो हमारा नियोक्ता था जनपद पंचायत था, अब यदि हम अपनी जनपद पंचायत से किसी अन्य जनपद पंचायत में ट्रांसफ़र लेते हैं, अर्थात किसी अन्य ब्लॉक में ट्रांसफ़र लेते थे उस समय अध्यापक संवर्ग में, तो हमारी जो वरिष्ठता है वो नगण्य हो जाती थी। अब नवीन शैक्षणिक संवर्ग की यदि हम बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक के जो नियोक्ता हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अब यदि आप एक जिले से किसी दूसरे जिले में ट्रांसफ़र लेते हैं तब आपकी वरिष्ठता नगण्य होगी, अर्थात प्राथमिक शिक्षक पूरे जिले में अभी भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इनकी जो वरिष्ठता है वो नहीं जाएगी। लेकिन पूर्व में यदि आपने अपना विकासखंड ही चेंज कर लिया था तो इसमें आपकी वरिष्ठता चली गई है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों की हम बात करें तो इसमें जैसे जो पूर्व के अध्यापक हैं, अध्यापक साथियों का जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी था वो जिला पंचायत से इनकी नियुक्ति हुई थी, अर्थात जिले के भीतर अध्यापक कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते थे, इनकी वरिष्ठता नहीं जाती। लेकिन एक जिले से किसी दूसरे जिले में किसी अध्यापक साथी ने ट्रांसफ़र लिया तब ऐसी कंडीशन में इनकी वरिष्ठता चली जाएगी, अध्यापक संवर्ग के लिए नियम है। लेकिन नवीन शैक्षणिक संवर्ग में हम माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो पूरे संभाग में माध्यमिक शिक्षक कहीं भी अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इसमें वरिष्ठता इनकी नहीं जाएगी क्योंकि जो नियोक्ता है वो संयुक्त संचालक है और ऐसी कंडीशन में हम संभाग के भीतर कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे शिक्षकों के मध्य असमंजस था कि सर अब तो हम संभाग के भीतर कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं लेकिन हमारी वरिष्ठता चली गई। इसमें ध्यान देने वाली बात है तिथि की, कि जब आपका ट्रांसफ़र हुआ आप किस संवर्ग में थे। यदि अध्यापक संवर्ग में थे तो अध्यापक संवर्ग के इसमें नियम लागू होंगे और यदि 1/7/2018 के बाद आपका स्थानांतरण हुआ है तब नवीन शैक्षणिक संवर्ग के जो नियम हैं वो लागू होंगे। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं हम, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो दो अलग अलग नियम हैं। हालांकि इस संबंध में जो भी आदेश जारी किए गए हैं हम प्रयास करेंगे कि इन आदेशों को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जरूर उपलब्ध करा दें जिससे आप इनका अवलोकन कर लें, क्योंकि कई सारे शिक्षक साथी बोल रहे हैं कि हमें दावा आपत्ति करना है। तो ठीक है, आप दावा आपत्ति कर सकते हैं लेकिन नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, इसमें जो नियम है इसी आधार पर कार्य किए जाएंगे। तो जिन शिक्षक साथियों के जो नाम हैं काउंसलिंग सूची से हटे हैं, निश्चित मान के चलें कि इनका अंतर निकाय स्थानांतरण हुआ है और इस कारण से इनकी जो वरिष्ठता है वो नगण्य हो गई है। अब अध्यापक संवर्ग और नवीन शैक्षणिक संवर्ग दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं कि किस परिस्थिति में कहाँ ट्रांसफ़र लेने पर वरिष्ठता नगण्य होगी। 1/7/2018 के बाद में यदि आपने स्थानांतरण लिया है, अच्छा इसके कुछ और भी नियम हैं, जैसे आपका प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ है तो आपकी वरिष्ठता नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली है कि यदि आपने जैसे माध्यमिक शिक्षक है एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफ़र ले लिया है तो ट्रांसफ़र में जो वरिष्ठता है
केवल पदोन्नति की स्थिति में जाएगी, ना कि क्रमोन्नति या फिर शाला के जो अन्य प्रभार जो लेते हैं शिक्षक, इसमें वरिष्ठता से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्रमोन्नति आपको निश्चित समय में जो 12 वर्ष में क्रमोन्नति मिलती है वही मिलेगी। यदि शाला प्रभार लेना है, आप वरिष्ठ हैं तो आप शाला प्रभार ले सकते हैं। इसमें ट्रांसफर में जो वरिष्ठता है केवल पदोन्नति के लिए मान की जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो अध्यापक संवर्ग और नवीन शैक्षणिक संवर्ग दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं, और आपको देखना होगा कि आपका जो ट्रांसफर है किस डेट में हुआ है। 1/7/2018 के पूर्व ट्रांसफर हुआ है तो अध्यापक संवर्ग के नियम लागू होंगे, और 1/7/2018 के बाद ट्रांसफर हुआ है तो नवीन शैक्षणिक संवर्ग के जो नियम हैं वो लागू होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो काउंसलिंग सूची है इसमें जो नाम कटे हैं या जो नवीन नाम ऐड हुए हैं वो किस कारण से ऐड हुए हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।